हाई एवरी वन, दिस इज योगिता। वेलकम टू योर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी एक 3 BHK का लग्जरी फ्लैट। इसका कंसेप्ट रहेगा S+3 एंड स्मार्ट होम के साथ। तो गाइज, इसका जो साइज रहेगा, प्लॉट साइज रहेगा इस फ्लैट्स का, वो रहेगा 150 स्क्वायर यार्ड का। एंड इन फ्लैट्स की जो लोकेशन रहेगी गाइज, वो 200 फीट वाइड रोड एयरपोर्ट रोड से सिर्फ 300 से 400 मीटर की अवे पे। तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन रहेगी गाइज। तो आइए चलते हैं इसकी एंट्री पे गाइज। फ्रेंड्स, ये आपकी फ्लैट की मेन एंट्री रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे मेन डोर मिल रहा है विद डिजिटल असेस। तो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइस, जैसे ही मैं अपने फ्लैट के अंदर एंटर करती हूँ, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ, जैसे कि वॉल्स पे ये मिरर लगा हुआ है, डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे यूज हुई है। एंड नीचे भी अगर आप देखो कि बहुत ही स्टाइलिश एंड डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये एक आपका गाइज एक कंसेप्ट रहेगा स्टोरेज का। तो एंट्रेंस पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको शू रैक एरिया बनाना है या व्हाटएवर योर चॉइस इट इज, अच्छा स्पेस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन मेरे राइट हैंड साइड पे गाइज आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया। तो अगर हम इसके स्पेस की बात करें सबसे पहले, तो बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 7-सीटर सोफा सेट जो है हमने यहाँ पे असेंबल किया हुआ है विद अ सेंट्रल टेबल। तो भी गाइज आप देख सकते हैं मैं कितनी ईजिली यहाँ पे जो है मूव कर रही हूँ। एंड साइड में भी आपको 2 यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं विद डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स। तो ओवरऑल योर ड्राइंग एरिया हैज़ वेरी गुड स्पेस। तो इसकी अगर हम फॉल सीलिंग की भी बात करें, तो यहाँ पे आपको एज इट इज़ डिज़ाइन फॉल सीलिंग पे भी मिलेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडलर यहाँ यूज़ हुआ है। तो गाइज, यू कैन टेक वेरी आइडियाज़ कि आप अपने ड्रीम हाउस को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे सामने की वॉल, वाओ, बहुत ही अच्छी एलिगेंट जो इसकी वॉल लग रही है। तो इसकी जो लुक रहेगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मिरर्स का यूज़ हुआ है, फैंसी लाइट्स यूज़ हुई हैं, एंड जो POP वर्क यूज़ हुआ है बहुत ही ग्रेसफुल अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जैसे आपके घर में गाइज गेस्ट एंटर करेंगे एंड ये चीज़ देखेंगे, तो बहुत ही रॉयल क्लासी फीलिंग जो है उन लोगों को आएगी कि हाँ, बहुत ही सुंदर घर जो है डेकोरेट किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा गाइस हमारे फ्रंट बालकनी, जिसे हम रूम के साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो ओवरऑल अ गुड स्पेस आपको जो आपके ड्राइंग एरिया में मिल रहा है। देन गाइस आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया में भी हमने जो है 6-सीटर जो है यहाँ पे डाइनिंग सेट यूज़ किया है। जो स्पेस है हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे जो है कवर करने की कोशिश की है। एंड कंफर्टेबली जो है आप यहाँ पे जो है ईजिली अपना फूड जो है ले सकते हैं। अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो इसका फॉल सीलिंग भी रहेगी वो भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ जो है हमने यहाँ पे बनाई हुई है। देन बिल्कुल डाइनिंग के अपोजिट हमारी आ जाती है ओपन किचन का कंसेप्ट, जिसमें आपको हम चिमनी का प्रोविज़न दे रहे हैं। एंड जो आपकी टॉप रहेगी, आप देख सकते हैं डबल यहाँ पे ग्रेनाइट जो है मार्बल यूज़ हुआ है। जो कलर थीम यूज़ हुआ है वो भी बहुत लाइट सा कलर है आपकी किचन का, बहुत सूदिंग सा कलर आपको, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। एंड जो सबसे मेजर हमारी चीज़ होती है वो हमारे होते हैं किचन के कैबिनेट्स, वो भी अच्छे आपको यहाँ पे क्वालिटी के मिल रहे हैं। प्लस स्टोरेज भी बहुत अच्छी यहाँ पे है, डिफरेंट थीम के साथ डिज़ाइन आपकी किचन। ये मॉड्यूलर किचन गाइस, फुली मॉड्यूलर किचन हम आपको ये दे रहे हैं, जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेगी। इसके अगर हम बॉटम कैबिनेट्स की बात करें, जस्ट लुक एट दैट, सॉफ्ट क्लोजर आपको यहाँ पे किचन में मिल रहा है। ड्यूल सिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी। 2 डिफरेंट टैप्स के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम इस जगह की बात करें गाइस, यहाँ पे आपको तीनों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइल वर्क यहाँ पे आपको जो है मिलेगा। सो ओवरऑल एक ग्रेसफुल, एक अट्रैक्टिव किचन आपको यहाँ पे मिल रही है। ओपन किचन का कंसेप्ट है। आई रियली लाइक दिस किचन। एंड सो ये था हमारा, भी आपने जो एक्सप्लोर किया है ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एंड किचन। तो हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो जो हमारे 2 बेडरूम्स रहेंगे गाइस, फर्स्ट एंड सेकेंड, बिल्कुल एडजॉइनिंग बेडरूम्स रहेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं हमारा फर्स्ट रूम। वाओ, जो कंसेप्ट गाइस और जो कलर थीम यहाँ पे यूज़ हुआ है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में। ऑलरेडी एक बेड यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एंड
काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आपको जो है स्पेस मिल रहा है। खुद ही देख सकते हैं कि मैं कितनी इजीली यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, मेरे पास कंफर्टेबली यहाँ पे जो है स्पेस मुझे मिल रहा है। देन जो बेड के पीछे की वॉल है उसको भी बिल्कुल थीम के साथ गाइस, जैसे ब्लू कलर का आपका यहाँ बेड प्लेस है, जो पेंटिंग्स का कलर है ब्लू वाइट, बहुत ही ग्रेसफुल अट्रैक्टिव जो है लुक दे रहा है आपके रूम को। पीओपी डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपकी मुझे फॉल सीलिंग लग रही है, बहुत प्यारा आपको यहाँ पे जो है शैंडलर मिल जाएगा अलग ही इफेक्ट्स के साथ। लुक तो गजब की है, एकदम बेस्ट। इसी के साथ जो आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज इट इज़ जो है आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाएंगी, जिसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है गाइस। एंड इसके साथ एक और ये वार्डरोब भी आपको यहाँ पे जो है मिल रही है। देन ये जो आप LED पैनल देख रहे हैं एज इट इज़ आपको LED पैनल हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको सेक्शन स्टोरेज के मिल जाएंगे एंड एक जगह, जैसे हमने यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बड़ा सा LED यहाँ पे आ जाएगा, तो ओवरऑल जो आपके रूम की लुक होगी बहुत ही अच्छी लुक यहाँ पे आने वाली है। यहाँ कंफर्टेबली आप बैठोगे और आराम से अपने नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम में मूवीज इंजॉय करोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देन इस तरफ आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर जैसे इन्होंने यूज़ किया है सिटिंग एरिया है, अच्छे से आप तैयार हो सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से स्पेस को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है ओवरऑल। एंड गाइस इसी के साथ अटैच्ड हो जाएगा हमारा वॉशरूम, इसमें आपको सारी फिटिंग्स जो रहेंगी वो ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगी, जो टाइल्स की हाइट रहेगी वो हम आपको फुल हाइट की टाइल्स आपके वॉशरूम्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड गाइस इस रूम के साथ जो है आपको अटैच्ड जो है बालकनी भी मिल रही है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, अगर हम कर्टन्स के कलर को देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कलर थीम से बहुत ही अच्छी इसकी और लुक इंक्रीज हो रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड जो पार्टीशनिंग रहेगी आपकी बालकनी की वो टफन ग्लास के साथ रहेगी, तो आइए चलते हैं बालकनी में। सो गाइस एक कॉमन बालकनी रहेगी आपकी फर्स्ट रूम से भी एंड सेकेंड रूम से भी, तो दोनों जगहों से आपको असेस रहेगा। सो दिस इज़ योर बालकनी गाइस, जो कि आप वॉशिंग एरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको गाइस बताना चाहूँगी कि टू साइडेड ओपन फ्लैट्स रहेंगे आपके, तो दोनों तरफ से आपको सनलाइट वेंटिलेशन मिलती रहेगी। एंड जो नेक्स्ट बिल्डिंग आएगी आपकी जो फ्लोर्स की फ्लैट्स की बिल्डिंग आएगी, उसके बीच में आपको 20 फीट का जो है ग्रीन एरिया कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। काफ़ी कम बिल्डर्स जो हैं गाइस वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ, तो पर्सनली मुझे ये फ्लैट्स और इसके जो कंसेप्ट हैं काफ़ी अच्छे लगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सो ये था गाइस हमारा फर्स्ट रूम, तो हम चलते हैं हमारे सेकेंड रूम में जो कि बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग रहेगा। सो गाइस दिस इज़ योर सेकेंड रूम विद अ डिफरेंट कलर थीम एंड डिज़ाइन, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेस के बारे में। बहुत बढ़िया स्पेस गाइस आपको यहाँ पे मिल रही है, बेड ऑलरेडी प्लेस है जिसका कॉफ़ी कलर का जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है, बिल्कुल सामने की वॉल जो गाइस आ जाएगी आपके LED पैनल की रहेगी, तो एज इट इज़ आपको ये LED पैनल यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे आपको, नीचे आपको सेक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ की जो एडजॉइनिंग आपका रहेगा वो एक लुक इन मिरर गाइस, जो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, साथ में ही जो है आपको जो आप ये देख रहे हैं वुड वर्क ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से यह है यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको गाइस यहाँ पे मिल रहे हैं, कंसेप्ट कि आप अपना घर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। जो बेड के पीछे की वॉल है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन हुई है, मिरर्स का यूज़ हुआ है एंड उसके साइड्स में जो है ये वुड वर्क और इसको ग्रेस दे रहा है, क्योंकि कलर थीम हमने यूज़ किया है कॉफ़ी, तो ये वुड वर्क के साथ ना गजब की इसकी जो है लुक आ रही है गाइस। और जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन रहेगा वो भी बहुत सुंदर डिज़ाइन आपको मिल रहा है। जो शैंडलर्स गाइस यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हुए हैं। इसी के साथ आपको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कबर्ड्स रहेंगी एज इट इज़, आपको कबर्ड्स का भी जो डिज़ाइन है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक चीज़ मुझे क्लासी रॉयल फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरा अगर ड्रीम हाउस हो तो मैं भी उसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन जो है करना चाहूँगी। एंड इसी के साथ जो आपकी अटैच रहेगी आपकी बालकनी रहेगी जो कि मैं आपको आपके फर्स्ट रूम से ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। देन हम चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ, क्योंकि हमारा आप गेस्ट रूम का भी कंसेप्ट बोल सकते हो, बिल्कुल सामने हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक कॉमन वॉशरूम जो कि सेंसर बेस लाइट्स के साथ रहेगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ की लाइट्स ऑन हो गई, तो जैसा मैंने बताया कि स्मार्ट होम का हम ये कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, फुली
जो फिटिंग्स रहेगी आपके वॉशरूम में वो ब्रांडेड फिटिंग्स रहेगी। फुल हाइटेड की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइल्स यूज हुई है। देन यहाँ से एंट्री रहेगी हमारे थर्ड बेडरूम की, जिसमें भी आपको अगेन एक अलग कंसेप्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मुझे एक हम लोग देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, डिज़ाइन देखने से भी पहले हम नोटिस करते हैं कि रूम्स स्पेशियस है या नहीं। हमारे पास जो बेड है वो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा आएगा, लुक अच्छी आएगी या नहीं आएगी, या हमें स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा बेड प्लेस करने के बाद। तो आप देख सकते हो कि बेड के बाद दोनों साइज में, तीनों एक्चुअली गाइज, दोनों इसके साइड्स में इसके अपोजिट में भी अच्छा स्पेस मुझे यहाँ पे जो है मिल रहा है। देन अगर हम बात करें बेड के बिल्कुल बैक वॉल की, तो दोनों तरफ गाइज आपको मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी जो ये डिज़ाइन किया हुआ है वॉल के ऊपर वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ आपके कैबिनेट्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। एंड जो वार्डरोब यहाँ पे मिल रही है वो एक अलग कंसेप्ट है, स्लाइडिंग डोर के साथ यहाँ पे जो है वार्डरोब हमने यूज़ की है। हमने गाइस टारगेट किया कि हम अलग अलग वैराइटीज की जो है आपको वार्डरोब्स यहाँ पे दें। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकनी का सेस, जो कि अब हम चलते हैं बालकनी में। सो गाइस ये आपकी फ्रंट बालकनी रहेगी, जिसकी भी दो एंट्रीज रहेंगी, एक तो आपके थर्ड रूम से एंड एक आपके जो है ड्राइंग एरिया से। तो काफ़ी अच्छी विड्थ में आपको ये बालकनी मिल जाएगी। ग्रिलिंग की भी जो हाइट रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो गाइस टू साइडेड ओपन फ्लैट्स होने का यही फ़ायदा होता है कि प्रॉपरली आपको सनलाइट, वेंटिलेशन मिलती रहती है। एंड अगर आप चाहें तो अच्छी ग्रीन, जैसे ग्रीन ग्रास यूज़ करके फ्लोरिंग पे टेबल चेयर लगा के भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बालकनीज को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। एंड इसी के साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी आपकी LED पैनल, जिसमें हम आपको ये स्टोरेज के ऑप्शंस दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी लुक रहेगी आपके रूम की। और जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है गाइस, जस्ट लुक एट दिस, अगेन एक डिफरेंट कैंगर यहाँ यूज़ हुआ है, लाइट्स है, एक अच्छा डिज़ाइन आपको फॉल सीलिंग पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अप टू यू गाइस कि आप अपने घर पर कितना जो है इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसको जो है अच्छी लुक देते हैं। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। सो गाइस आई होप कि आपको ये हमारा 3 BHK का लग्जरी अपार्टमेंट जो है पसंद आया होगा, जिसका कंसेप्ट है टोटली स्मार्ट होम। एंड इसकी लोकेशन रहेगी गाइस एयरपोर्ट रोड से सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पे रहेगा। 150 गज में बना हुआ है ये, बहुत ही स्पेशियस फ्लैट्स आपको ये हम दे रहे हैं। तो अगर कोई भी जानकारी हो गाइस आपको रिलेटेड टू दिस फ्लैट, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।